पुलिस की नाकामी आई सामने। दो माह से लापता युवक का पता लगाने में नाकाम। पुलिस कहीं न कहीं अपना असली चेहरा दिखा ही देती है। दो माह बीत जाने के बावजूद लापता युवक का पता नहीं लगा पाई पुलिस। यह औरैया पुलिस की कार्यशैली है और अगर किसी मंत्री की भैंस चोरी चली जाती है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस खोज निकालती है चोरी की गई भैंस को। यहाँ तो एक व्यक्ति की जान को खतरा है, फिर भी पुलिस खोजने में नाकाम साबित हो रही है। पुलिस का कहीं ना कहीं असली चेहरा आ ही जाता है सामने। अपना फर्ज निभाने के प्रति क्यों सजग नहीं रहते। पुलिस आरोपी को पकड़ कर 4 दिन तक रखती है हिरासत में। 4 दिन बाद आरोपी को इज्जत के साथ छोड़ देती है। पीड़िता ने लगाया पुलिस पर गंभीर आरोप। पुलिस ने लेख देकर छोड़ा आरोपी को। आरोपी ने पीड़िता के पति सुरजीत को फोन करके अपने पास बुलाया था। पीड़िता के पति आरोपी के पास फोन आने के तुरंत बाद मिलने के लिए घर से निकल गए थे। उसके बाद पीड़िता के पति का नहीं चल सका पता। जब पीड़िता ने अपने पति की गुमशुदगी की शिकायत थाने में दर्ज कराई, उसके बाद पीड़िता लगातार थाने के चक्कर लगाती रही। पुलिस कार्रवाई करने का आश्वासन देकर पीड़िता को तसल्ली बंधाती रही। ऐसा मामला आयाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव मुंडी हुलासराय से निकल कर आया। बताते चले कि पिंकी देवी पत्नी सुरजीत कुमार ने अपने पति की गुमशुदगी की आयाना थाने में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने प्रहलाद सिंह पुत्र रामाधीन निवासी बेनी के नगरा थाना बकेवर जिला इटावा आताराम पुत्र बेनीराम ग्राम नंद गांव थाना चक्कर नगर जनपद इटावा दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आयाना थाने की पुलिस ने आरोपी प्रहलाद सिंह को गिरफ्तार कर 4 दिन तक हिरासत में रखा। पुलिस ने आरोपी को 4 दिन तक हिरासत में रखने के बावजूद नहीं चालान किया और स्थानीय नेताओं के दबाव में आकर आरोपी को छोड़ दिया। जब पीड़िता ने आरोपी को छोड़ने की वजह पूछी तो पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य न होने का कारण बताकर पीड़िता को थाने से भगा दिया। जबकि आरोपी ने सुरजीत को फोन करके अपने पास बुलाया था, जिसकी कॉल डिटेल पुलिस द्वारा निकलवाई गई है। जिसके आरोपी का नंबर सामने निकल कर सामने आया, उसके बावजूद भी आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। कार्यालय औरैया में है, जहां पर एक महिला है जिनकी विषम परिस्थितियां हैं और इनके बारे में पूछ रहे हैं कि क्या समस्या है। आज आप यहां किस लिए आए हैं? कौन से थाने में? थाने में। हाँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं। हम जाते हैं तो जैसे दिया जाता है कि आपके पति अभी आ जाएंगे कल आ जाएंगे। हाँ। और जिस अपराधियों को हमने पकड़ाया भी था पहला, तो उन्हें 4 दिन थाने में रख के छोड़ दिया, तो कई उनको कोई खिलाफ जरूरत नहीं। अच्छा, तो जो अपराधी थे तो आपको कैसे पता कि यही अपराधी है? मेरे पति से जाने से पहले मतलब कॉल की थी, जब वो काम को गए थे साथ में। थोड़ा तेज बोलो, तेज। जुलाई को वो गए थे शाम को 7 बजे घर से, तो इनने फोन भी किया था और हमने सुना भी था, इन्होंने बुलाया था। तो हमारे पति कहकर गए थे हम प्रहलाद के घर पर जा रहे हैं पार्टी में। अच्छा, प्रहलाद ने बुलाया था फोन करके? फिर वो उस दिन से वापस नहीं आए। फिर हमने प्रहलाद से फोन करके भी पूछा कि मेरे पति आपके घर आए हैं, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया हमारे घर नहीं आए। फिर हमने घूमने भी गए हैं, तो पहला साथ में गए थे, 2-3 गांव ढूंढा भी था। हाँ। और फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई हमने, तो फिर गुमशुदगी के बाद फिर डिटेल में नंबर निकला है, तो मतलब 1 महीने के बाद, तो हमने जब उनके नाम लिखाई। अच्छा, FIR गुम होने के कितने दिन बाद FIR कराई, या इसकी सूचना पुलिस को कितने दिन बाद की गई? 23 तारीख को। आपका मामला किस तारीख को है? 5 जून को, मतलब 5 तारीख का मामला था और 23 तारीख को आपने ये सूचना दी है। जब ही नंबर निकल के आई तो पुलिस को इससे पहले सूचना नहीं दी थी? जैसे आप, जब हमको पता नहीं था, मतलब गुमशुदगी लिखी थी। नहीं, गुमशुदगी कब लिखाई थी? 7 तारीख को, 2 दिन बाद। अगर पुलिस चाहती, आपके पति के पास मोबाइल था? हाँ जी, मोबाइल था, वाला फोन था, टच का वीवो का। अच्छा, तो पुलिस अगर यदि चाहती तो पति के मोबाइल की लोकेशन के आधार पर उनको खोज सकती। तो उनका फोन स्विच ऑफ बताता हमें? नहीं, वो बात नहीं कि वो, ये चीज़ अलग चीज़ है कि उनके पास जो मोबाइल था, मोबाइल के लोकेशन से उनके पति को पुलिस यदि आपकी मदद करती तो वो कर सकती थी, लेकिन आपको शायद पुलिस ने मदद नहीं दी है। और यदि मदद करती तो वो लोकेशन के आधार पर आपके पति को पता चलते कि वो किधर गए, जिस पे आपने आरोप लगाए कि उधर गए हैं, उनके घर की तरफ गए हैं या किधर गए हैं। और आपको यहाँ, जब आप आज यहाँ औरैया में आई हैं, तो औरैया में जो पुलिस अधीक्षक महोदया हैं, उनने आपसे, आपको क्या आश्वासन दिया, क्या कहा आपने? मैंने उनसे बोला कि हमारे पति नहीं आए हैं, अभी
आज भी बोला है कि जाओ परेशान मत हो बेटा, आपके पति घर पर आ जाएंगे। तो हमने कहा उसे चार दिन रखा गया है तो छोड़ नहीं दिया, तो बोला उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ कि उनकी जिनने बुलाया था उनसे कोई दुश्मनी पहली थी या ऐसी? नहीं, वो ड्राइवर थे, गाड़ी चलाते थे, आपके पति भी और कैलाश भी। अच्छा एक ही काम है? हाँ, एक ही मालिक ही नाम को चलाते। अच्छा गाड़ी चलाते थे। वैसे कोई लड़ाई झगड़ा कभी हुआ हो या आपके पति ने कभी बताया हो कि? नहीं, मेरे पति बहुत सीधे। नहीं, फिर भी लड़ाई झगड़ा या कुछ न कुछ जलन रहा हो? साथ में गाड़ी जरूर 2.5 साल चलाई मेरे पति ने भी और इसने भी। अच्छा। हाँ, तो उनके मतलब कि वहाँ पर कोई संबंध हो तो इतना हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे पति कभी नहीं डरते। आप कौन है लड़के के जो गायब हुआ है? ना, अच्छा जी, आपकी लड़की है? तो आप किस गांव के हैं? हम मोली रसूलपुर के। मोली रसूलपुर में जे हुए और दमान जो मोली रसूलपुर में रात को उनका मकान ले लो। नाम क्या है जो गायब गायब हुए हैं, उनके नाम क्या है? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह, और जिनका नाम पिंकी है। अच्छा अच्छा, गुम हुए आज कितने दिन हो गए? आज हो गए हैं 2 महीना 7-8 दिन हो गए। 2 महीना 8 दिन, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। ऐसा नहीं आपसे झगड़ा हुआ हो? नहीं नहीं, बाजार गए थे। अच्छा, मतलब सब घर में अच्छा था। अच्छा होने के बाद भी शादी के गुम हो गए, उनका अभी तक कोई पता नहीं चला। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो महिला हैं, आज 2 महीने 8 दिन हो गए इनको परेशान हुए, पुलिस के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस बराबर आश्वासन दे रही है कि आपके पति वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक इनको कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली, ऐसी कहीं समय नहीं मिला या कोई ऐसा पक्के सबूत नहीं मिले कि जिससे इनके पति मिल सके। आपको आशंका ये भी है कि पति आपकी पति की हत्या भी हो सकती है? अब जब नहीं मिलेंगे तो फिर यही तो सोचा जाएगा, हत्या भी हो सकती है। इतने दिन हो गए, सबको पता चल गया, फेसबुक पे फोटो डल चुकी है, हर जगह न्यूज है। अगर कोई दुश्मन पकड़े भी होगा तो इतने दिन हो गए, वो भी मार देगा, घर में बैठा के तो खवाएगा नहीं, उसका सगा रिश्तेदार तो है नहीं हमारे पति, जिंदगी तो हमारी बर्बाद होगी, हमारे 2 छोटे-छोटे। आपने जिस कंपनी के वो गाड़ी चलाते थे उनसे बात की? जी नहीं। ऐसा तो नहीं वो सीधे कंपनी चले गए? वहाँ नहीं गए थे, वो वहाँ से आए थे, 8-10 दिन हुए थे, वो वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाने आए थे घर पर। 5 जुलाई को वो चले गए, 7 जुलाई को लगे थे हमारे गाँव में। अभी तक कोई जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं है, कहीं से सुरागी नहीं मिलता है। और जिसको हम बताते हैं तो पुलिस बोलती है कि मतलब कि कोई सबूत ठोस देकर, तो मेरे पास जब सबूत नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? आपके पास यही सबूत है कि उन्होंने बुलाया था, उनके बुलाने के बाद वो अभी तक आए? हमने खुद सुना, उनका फोन आया और हमारे पति मुंह से खुद बोल कर गए हैं, हम पहलाद के घर जा रहे हैं, कल आ जाए। पहलाद ने ये बताया कि मेरे घर नहीं? तो हमने पहलाद पास शाम को फोन भी किया, सोमवार का दिन था, मंगलवार सुबह तक हमने इंतजार किया मंगल को, तब वो नहीं आए, तो शाम को हमने फोन किया तो पहलाद ने साफ इनकार कर दिया हमारे। अयाना थाना आपके पति को खोजने की कोशिश नहीं कर रही है? नहीं, वो ये बोलते हैं कि आपको कुछ पता लगा, हम जब उनसे बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि आप आपसे उल्टा ही पूछते हैं कि पता लगा कि आप ही हमें जानकारी दोगे तभी हम बताएंगे। तो हम उनसे उन्हें हम जानकारी देते हैं तब वो आगे कदम रखते हैं, और ऐसे ही हमने उस पहलाद को भी मतलब कि बताया था, तो हम ही गरीब आदमी, हम ही ने गाड़ी की, हम ही ने खर्चा दिया, तो बोलते हैं कि गाड़ी नहीं जाती है कहीं। क्या ले देकर कहीं पहलाद सिंह को छोड़ दिया तो पुलिस वाला? मामला तो यही है कि ले देकर ही छोड़ा होगा, 4 दिन था, एक आदमी 24 घंटे थाने में रखता है, उसका चालान कर देता है, और उसे 4 दिन क्यों रखा गया, उसका क्यों नहीं चालान किया, उसके पास प्रूफ नहीं है। जब हम मुँह से कह रहे हैं मेरा पति इसके घर गया, इनका नंबर है, तो फिर क्यों नहीं चालान किया? उनका नंबर कॉल डिटेल पे नहीं निकाली गई? मेरे आदमी की डिटेल में नंबर निकाला गया तो पहलाद का नंबर है। अच्छा, पहलाद का नंबर आया है? हाँ जी, पहलाद का है नंबर, इसीलिए मैंने इसी नंबर पे जाई की वजह से मैंने कंप्लेंट की, नहीं मेरी कोई दुश्मनी दूर नहीं थी पहलाद। तो आप मीडिया से क्या उम्मीद रखती हैं? मैम जी, ये उम्मीद रखते हैं कि मुझे मेरा